अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सलीम। सो टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स में मुग़ल एरा, मुग़ल डायनेस्टी जिसे कहते हैं, मुग़ल दौर। अब जो ये मुग़ल दौर शुरू हुआ था, ये 1526 के एरा से स्टार्ट हुआ, फ्रॉम द एरा ऑफ बाबर, और इसका डाउनफॉल हुआ। इसके डाउनफॉल के रीजंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी थिंग ऑफ दिस एरा इन डिटेल। Let's have a look. You can easily see Mughal Empire classic period on the screen. ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक बनाया गया, आपकी आसानी के लिए बनाया गया है। सबसे पहले जो है वो बाबर है। बाबर का टाइम पीरियड है फ्रॉम 1526 टू दिसंबर 1530। पेपर की ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, वो ये है कि आपने CSS स्क्रीनिंग पास करना है। यू जस्ट हैव टू मेमोराइज द एरा, ठीक है, यानी एरा की द डेट ऑफ एरा। जो भी आप रूलर पढ़ने जा रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ, और स्पेशली उसका जो टाइम पीरियड है जो उसने दौरे हुकूमत गुजारा है, लाइक फ्रॉम अप्रैल 1526 टू दिसंबर 1530, इट वाज द एरा ऑफ बाबर। ये बाबर का दौर था। आपने ये चीज़ याद रखनी है। और अगर कोई रूलर है उसकी ज़रा से एक नॉर्मल वे से हट के अगर किसी की डेथ हुई है, लाइक अकबर, तो ये आपने स्पेशली मेंशन करने हैं। इन चीज़ों को आपने हाईलाइट करना है, इनके नोट्स बना लें अपने पास, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, तो ये स्क्रीनिंग के हवाले से आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और स्पेशली इनकी डायनेस्टीज का स्टार्ट और एंड की डेट आपने याद रखनी है। सो बाबर का जो एरा स्टार्ट होता है, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1526 टू दिसंबर 1530। हुमायूं दिसंबर 1530 टू मई 1540, और इनका दो बार ये टाइम पीरियड होता है, बीच में इनका स्किप आ जाता है। बाबर ने जो रूल किया या फिर उनका जो दौरे हुकूमत था, इट वाज फॉर 4 ईयर्स। और हुमायूं का पहला ये टाइम पीरियड है फ्रॉम 1530 टू 1540, यू में से 10 ईयर्स, मतलब 1 डिके जिसे आप कह सकते हैं डिकेड। और जो सेकंड टाइम पीरियड है इनका, फ्रॉम 1555 टू 1556, 1 ईयर का ये टाइम पीरियड रहा है। नेक्स्ट रूलर इज़ अकबर, उसके बाद अकबर आते हैं फ्रॉम 1556, जनवरी 1556 टू अक्टूबर 1605, एंड जहांगीर। और इन्होंने जो स्पेशली पानीपत की 3 बैटल हैं उनके MCQs देख लीजिएगा फॉर CSS स्क्रीनिंग। और इसके साथ साथ आप लोगों ने इन्होंने जो इन्वेंशंस की हैं, स्पेशली इनकी तामीरात, इन्होंने जो फोर्ट्स बनवाए हैं या बाग बनवाए हैं या महल बनवाए हैं, ये चीज़ें आपने ना ज़रा देख लेनी है कि किस रूलर ने। एक छोटा सा एक जिस तरह से एक चार्ट बनाया गया है, तो आप एक चार्ट बना सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये इस चीज़ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। तो अगर आप स्मार्ट स्टडीज़ करना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर का टाइम पीरियड जनवरी 1556 से अक्टूबर 1605 तक है, ठीक है। तो आप एक चार्ट बना लेंगे तो आप इजीली इन चीज़ों को आपने और इनकी डेट्स, या फिर आप अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम इनमें से क्या क्या चीज़ें याद करें, तो इनमें से जो मेन चीज़ें हैं वो यही हैं। इनकी वाइफ्स के नेम्स भी देख लीजिएगा। जहांगीर अक्टूबर 1605 टू नवंबर 1627 इनका टाइम पीरियड रहा है। शाहजहां नवंबर 1627 टू अगस्त 1658 तक। और औरंगज़ेब का टाइम पीरियड, शाहजहां ने एक महल बनवाया है जिसे ताज महल कहते हैं, ये अक्सर पेपर में आ जाता है और ये PPSC में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। औरंगज़ेब का टाइम पीरियड जुलाई 1658 टू 17। अब जो डायनेस्टी है ये स्टार्ट कहाँ से हुई, फ्रॉम 1526, और ये एंड कहाँ पर होती है, मार्च 1707 तक इस डायनेस्टी का इख्तिताम हो जाता है। सो स्क्रीनिंग के हवाले से आपने सिर्फ यही MCQs याद करने, इसके अलावा आपने कुछ भी इनके MCQs नहीं याद करने। ये मेन चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी, क्योंकि एग्जामिनर बाज़ दफ़ा बहुत घुमा फिरा के चीज़ नहीं पूछता, बल्कि वो स्क्रीनिंग है आपका, आप उसे क्लियर करेंगे तो आगे आप तैयारी करके फाइनल एग्ज़ाम देंगे, तो वो आपसे इस किस्म की चीज़ें पूछता है कि आपकी नॉलेज है इसके लिए या नहीं है। ये नहीं कि वो आपको बिल्कुल बारीकी वाली फ़ाइनल एग्ज़ाम्स वाली चीज़ें पूछेगा। तो ये एक डिफरेंस है स्क्रीनिंग और फाइनल एग्ज़ाम में।
Now you may observe the question, causes of downfall of Mughal Empire. मुग़ल एम्पायर का जो जवाल हुआ उसकी वजूहात बताइए. ये काफ़ी लेंथी पॉइंट्स हैं लेकिन मैं आपको ये सारे बताऊंगी इन अ शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 18 सेंचुरी तक बिल्कुल जवाल हो चुका था मुग़ल्स का. और मुग़ल्स का जवाल क्यों हुआ था? ड्यू टू मुरहटास एंड सिक्स और जाट्स. जाट्स को भी आप मेंशन करेंगे. उन्होंने बुनियादें हिला दी. किसकी फाउंडेशंस हिला दी? मुग़ल एरा की, मुग़ल डायनेस्टी की. अब इसकी बहुत सी वजूहात हैं. स्पेशली जो रूलर्स थे वो स्टार्ट के ठीक थे लेकिन बाद में आने वाले जो रूलर्स थे वो डांसिंग में, ठीक है, या फिर जो डिफरेंट गेम्स हैं उनमें, या फिर अपने आप को मौसीकी में, सिंगिंग में मुलव्वस रखते थे जिसकी वजह से, या फिर अपनी शान और शौकत पर. आपको पता है जो मुग़ल लोग होते हैं वो अपनी अपेरेंस पर, अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं. ठीक है, तो जब वो इन चीज़ों में ऐशो इशरत में पड़ गए तो ये डायनेस्टी जो है, जिस तरह से वो इलाके फ़तह करते आ रहे थे, इस्लाम को फैला रहे थे, एकदम इस डायनेस्टी का जवाल हो जाता है. ये एरा 100 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, वो एरा ख़त्म हो जाता है. सो इसके बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये एरा ख़त्म होता है. बिल्कुल रिलैक्स होकर आप इसकी प्रिपरेशन करें, कोई माइंड पर बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं. इट्स जस्ट अ स्टोरी. ठीक है, और स्टोरी की तरह इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. कितने स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिले हैं जो कि कहते हैं कि मैम हमें इनके एरा से ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है. तो आप अगर आप इसको एक स्टोरी की तरह से करके पढ़ें कि कौन दो बार आया मनाने के लिए, ये किसका टाइम पीरियड एक साल के लिए था, तो इस तरह से आप चीज़ों को ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और यही पेपर की एक ट्रिक होती है कि आप पेपर को कैसे याद करें, शॉर्ट नोट्स बना लें. और दूसरा, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ. तो कॉसेस ऑफ डाउनफॉल ये भी है कि मुसलमान जो थे अपने ऐशो इशरत पर, ठीक है, गाने बजाने पर, सिंगिंग पर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स. और जब औरत हुकूमत करती है, औरत को तो वैसे भी अल्लाह ने कहा है कि वो नाकस अकल है, और जब औरत हुकूमत करती है तो उस डायनेस्टी का जवाल, जब इस्लाम ने कह दिया तो उससे बढ़ के तो कोई चीज़ ही नहीं है, तो उस डायनेस्टी का जवाल. स्पेशली इट्स एग्ज़ाम्पल इज़ मुग़ल एरा. ठीक है, तो इसकी एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल या एक बहुत बड़ा फैक्टर वो मुग़ल एरा है, मुग़ल दौर. सो इमेंसिटी ऑफ एम्पायर. ठीक है, एम्पायर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो बिखरा. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या कहाँ तक गया, मतलब वो किन के हाथ में गया. सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज होना चाहिए लेकिन वो सेंट्रलाइज हो गई थी. यानी एक ही जो पावर थी उसने सारे राइट्स स्नैच कर लिए थे सबके, और वो अपने ऐशो इशरत में लग गए, जिसकी वजह से इस डायनेस्टी का डाउनफॉल हो गया. इनकम्पिटेंट सक्सेसर्स ऑफ औरंगज़ेब. औरंगज़ेब के जो सक्सेसर्स थे स्पेशली, उन्होंने अपने अंदर कौन कौन सी सिफात रखी? सिंगिंग, डांसिंग, एंड दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द अफेयर्स ऑफ द एम्पायर. जो एम्पायर के सल्तनत के मामलात थे उससे हटकर जब वो नाच गाने में लग गए तो मुसलमानों का जवाल हो गया. उसके बाद आप शाहजहाँ की भी ये जो है मिसाल देंगे, जहानदार शाह की भी मिसाल देंगे, लाइक एट द एडवाइस ऑफ ए डांसिंग गर्ल नेम्ड लाल कुमारी. ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है. वीक सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट जब वीक हो जाए, आपको पता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपकी मजबूत नहीं है तो फिर आप अपनी इमारत किस पे इस्तवार करेंगे? ठीक है, जब आप सेंटर ही आपका ठीक नहीं है तो आप कैसे उसको एक बिल्डअप कर सकते हैं फर्दर? इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल मौजूद है. जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान के पास ना तो स्टेशनरी थी, ना मशीनरी थी जिससे कोई गवर्नमेंट का सिस्टम रन किया जा सके. ठीक है, ना टेबल, चेयर, कागज़, कुछ भी नहीं था. यानी इस सूरत हाल से निकलते हुए फिर पाकिस्तान ने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइज़ किया. तो जब पाकिस्तान ने अपने आप को स्टेबलाइज़ किया, ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है. जब आप एफ़र्ट ही नहीं करते, तब अगर उस वक्त एफ़र्ट किए तो आज पाकिस्तान को देख लें कि वो काफ़ी तरक्की कर चुका है. ये नहीं आप कह सकते कि बस पाकिस्तान पीछे जा रहा है. नो, पाकिस्तान ने इन्वेंशंस भी की हैं. पाकिस्तान वही है जिसने 28 मई 1998 को चाकी के मुकाम पर धमाके करके वाजिया कर दिया कि पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर पावर. सो इन दिस वे आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है. तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं है, ठीक है, या फिर आपका सिस्टम ही अच्छे से, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है, तो फिर आप उसको कैसे रन कर सकते हैं?
नो रूल फॉर सक्सेशन, ठीक है, जो नया हुक्मरान आपने चूज़ करना है उसके लिए कोई रूल्स नहीं रखे, ऐसे ही बस एक मोरूसी सिस्टम अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो फिर कैसे आप सक्सेसफुल रह सकते हैं। फ्लैटेड इकोनॉमिक सिस्टम वॉज फ्रेजाइल, लैक ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, फाइनेंशियली आप वीक हैं, तो तब आप कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लैकिंग बिहाइंड इन एजुकेशन, एजुकेशन में स्पेशली साइंटिफिक और एडवांसमेंट के लिए जो एजुकेशन हमें रिक्वायर्ड थी, हमें उस चीज़ की कमी थी। और जो एडवांसमेंट थी, जो हमारे ओपोनेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर रहे थे। मुगल एम्पायर की बात करें तो इसमें बहुत से चैलेंजेस हमें सामने नज़र आते हैं। एपिक्यूरियन लाइफस्टाइल आपको पता है बहुत ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल पे सर्व करते हैं। जो मुगल्स होते हैं उनको अपने लुक्स अपने लाइफस्टाइल पे बहुत होता है, तो इस चीज़ में जब पड़ गए तो फिर वो जाहिर सी बात है अपने आप को नोबल्स कहते थे कि हम नोबल्स हैं, हम सबसे हट के हैं, तो तब इनका डाउनफॉल। वो वीक मिल्ट्री फोर्स, जब आपके पास मिल्ट्री ही नहीं है, मिल्ट्री आपकी वीक है, देन हाउ कैन यू यानी आप फर्दर सक्सेस कर सकते हैं। लाइक मुस्लिम आर्मी डिपेंड ऑन एरोज लेंसेज एंड स्वॉर्ड्स, आपके पास नया सिस्टम नहीं है, मिल्ट्री को आपने अप टू डेट नहीं किया, वही एरोज लेंसेज और स्वॉर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर फाइट फॉर वॉर्स, देन हाउ कैन यू मेक प्रोग्रेस। लैक ऑफ नेवल पावर, नेवी वीक थी। फॉरेन इन्वेशन, बैरूनी जारहियत, जिसमें आपने नेम्स याद रखने हैं, नादिर शाह का, ठीक है, ऑफ ईरान, उसके बाद मुरहटास का किरदार और अहमद शाह अब्दाली। फॉरेन कॉन्स्पायरेसीज, इसमें आपने दो नाम याद रखने हैं, मीर जाफर मीर सादिक का। इंटरनल कॉन्स्पायरेसीज, जैसे कि फ़ीमेल की अना का मसला बन जाए, या फिर हुक्मरान बस शादियाँ ही करता रहे, तो जाहिर सी बात है जब उसकी पर्सनल लाइफ ही सेटिस्फाइड नहीं है, देन हाउ कैन ही मेक प्रोग्रेस, ठीक है, तो फिर वो कैसे प्रोग्रेस कर सकता है या फिर अपनी एक सिस्टम को, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको स्टेबल कर सकता है। लॉस ऑफ स्पिरिट ऑफ जहाद, जब जज्बा जहाद ख़त्म हो जाता है मुसलमानों में, तो अल्लाह ताला उनको जवाल का शिकार करते हैं। टीचरिंग एंड बिट्रेयल, धोखादेही और गद्दारी। लैक ऑफ नेशनलिज्म, जब आप अपने अनासिर से हट के अपनी कौम की परवाह नहीं करते तो फिर आप इसी चीज़ का शिकार होते। कंक्लूजन इज़ द मेन थीम ऑफ योर आंसर, लाइक यू हैव टू हाईलाइट द पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सिस्टम विच वॉज फेल्ड ड्यू टू द वीक एंड फ्रेजाइल पॉलिटिकल सिस्टम। सोशल इंस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल थी, इकोनॉमिक थी, जिसकी वजह से मुसलमानों का डाउनफॉल हुआ, या फिर आप कह सकते हैं कि मुगल एरा का डाउनफॉल हुआ, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स आपको हाईलाइट कर दिए गए हैं, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज टुडेज टॉपिक, आपने इसको अच्छे से करना है। इफ़ इज़ एनी कन्फ्यूजन, आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड माई कॉन्टेक्ट नंबर इज़ अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑल्सो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।